अगर आप हायर वेट लिफ्ट करते हैं तो आपकी बॉडी का साइज ज्यादा बढ़ेगा, और अगर आप हायर रेपिटेशंस करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कटिंग ज्यादा आएगी। तो ये सारे जो मिथ्स हैं इसको कवर करते हैं आज की वीडियो के अंदर। अब हमारी जो वीडियो है कि आपको हायर रेप करने चाहिए या फिर हायर वेट लिफ्ट करना चाहिए। देखिए सिंपल चीज होती है, दो तरह की मैं आपको चीजें बताऊंगा। एक होती है हमारी हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर का जब साइज बढ़ जाता है उसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं, और जब नंबर बढ़ता है तो उसको बोलता है हाइपरप्लेशिया, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, कुछ ट्रेन एनिमल्स के अंदर ये देखा गया है। अब जो आपकी हाइपरट्रॉफी होती है वो दो तरीके से आती है, एक होती है सार्कोप्लाज्मिक और एक होती है मायोफिब्रिलियर। तो सार्कोप्लाज्म में क्या होता है कि आपका जो सार्कोप्लाज्म होता है आपके मसल्स के अंदर ये प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर फ्लूइड जनरेट होता है, और जब वो फ्लूइड बढ़ता है तब उसके साथ साथ क्या आपके मसल का साइज ज्यादा बढ़ता है, स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम आती है। और जो हमारी मायोफिब्रिलियर हाइपरट्रॉफी होती है उसके अंदर हमारा जो मसल का है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा डेवलप होता है, हमारे एक्टिन मायोसिन उसमें ज्यादा डेवलप होते हैं, जिससे हमारी मसल की डेंसिटी एज वेल एज थिकनेस, और उसकी वजह से हमारी मसल की स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ती है। अब ये किस तरीके से अचीव होती है, जो मायोफिब्रिलियर होती है वो आपके हाई वेट लिफ्ट करने से, और हाई वेट का मतलब है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किससे होगी कि जब हम लेस देन 6 रेपिटेशंस पे परफॉर्म करेंगे। अब अगर 6 रेपिटेशन से अगर आप ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर साइज कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा, स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम आती है। तो जब आप हाई रेपिटेशन के ऊपर जाते हो तो आपके सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी होती है, और जब हम मायोफिब्रिलियर पे रहेंगे यानी कि हम लेस देन 6 रेप हाई वेट लिफ्ट करेंगे तब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डेंसिटी ज्यादा होती है। अब साइज बढ़ना, कटिंग आना वो ट्रेनिंग पर इतना मैटर नहीं करता। यस ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, बट ट्रेनिंग से ज्यादा जो मैटर करेगा दैट इज कि आपका जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर आपका जो कैलोरी मेंटेनेंस में है, सरप्लस में है या डेफिसिट में। फॉर एग्जांपल हम क्या समझते हैं कि अगर हम हायर रेपिटेशंस करेंगे तो हमारी कटिंग होगी, ये जनरली होता है, पर ऐसा नहीं कि इससे ही होगा। आप हाई वेट लिफ्ट करके भी कटिंग बॉडी के अंदर लेके आ सकते हैं। किस तरह से आएगा, अब आप ये देखिए कि जब आप अपनी बॉडी के अंदर अगर कैलोरी डेफिसिट के अंदर हैं और हायर रेपिटेशंस कर रहे हैं तो उस हायर रेपिटेशन से नहीं बढ़ने के बाद आपका जो कैलोरी डेफिसिट में इस वजह से कटिंग हो रही है। अगर आप उसको अपनी बॉडी में कैलोरी सरप्लस प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद अगर आप जो है वो हायर वेट लिफ्ट करेंगे या हायर रेप करेंगे तब भी जाके आपकी बॉडी के अंदर जो है वो फैट लॉस होगा, मसल बढ़ेगा, मसल की जो क्वालिटी है वो ज्यादा इंप्रूव होगी, जिसको हम एक तरह से कटिंग के फॉर्म में जनरलाइज वे में कह देते हैं। और सेम अगर आप कैलोरी सरप्लस के अंदर हो और उसके अंदर अगर आप जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी का साइज बढ़ेगा, पर अगर आप उसमें हायर रेपिटेशंस भी करोगे तब भी साइज बढ़ता है। बट हमारे ये जनरलाइज क्यों कहते हैं, जब कैलोरी डेफिसिट के अंदर होते हैं तब हमारी बॉडी में कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ इतनी नहीं आ पाती, क्योंकि जितनी हमारी कैलोरीज बॉडी बर्न कर रही है उससे हम कम ही कंज्यूम कर रहे हैं, 100, 200, 300 जितना भी आपने जो है वहां पर डेफिसिट किया है, तो इस वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो पाती इतनी ज्यादा। इसलिए वहां पे जो जनरली कहा जाता है कि आपको हायर रेपिटेशंस पे जाना चाहिए, बट जैसे कि वो पता है कि बॉडी प्लैटी हिट कर जाती है 2, 3, 4, 5 डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है आपके प्लैटी को ब्रेक करने के अब आपको नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। अगर आप हायर रेपिटेशंस की ट्रेनिंग में हो तो हायर लोड में जाना पड़ेगा, और अगर हायर लोड की ट्रेनिंग में हो तो हायर रेपिटेशंस में। तो अल्टीमेटली आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग करो, दोनों तरह की ट्रेनिंग करना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक और चीज लिंक करते हैं, दैट इज मसल फाइबर्स। अब जो हमारे मसल फाइबर्स होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। जो टाइप 1 वाले होते हैं वो आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं, और जो टाइप 2 वाले होते हैं दैट आर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। तो टाइप 1 वाले आपके जो है जब ज्यादा रेपिटेशन करोगे तब जाके ट्रेन होंगे, और जो टाइप 2 वाले हैं जब कम रेपिटेशंस करोगे, ज्यादा लोड लिफ्ट करोगे तब जाके ट्रेन होंगे। तो अलग अलग तरह के मसल फाइबर्स को भी ट्रेन करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर एक तरीके से हायर रेपिटेशंस की ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसके अंदर जो टाइप 1 वाले मसल फाइबर ज्यादा ट्रेन होंगे, टाइप 2 भी होंगे पर कंपैरेटिवली कम, पर अगर आप हायर लोड की ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपके टाइप 2 वाले ज्यादा ट्रेन होंगे एज कम्पेयर टू टाइप 1। तो इस तरीके से जो है आपको ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल्स को बनाना पड़ता है, जो कि आपको ये सारी चीजें नॉलेज के अंदर अपने पास पोजेस करनी पड़ती है। तो अगर आप इस तरह से करोगे, ज्यादा मिथ के ऊपर नहीं रहोगे पर अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करोगे तो आपकी बॉडी में जो आप चाहोगे वो अल्टीमेटली हो पाएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।